ये जो पानी की बर्बादी है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसको तो सरकार ही रोक सकती है, क्योंकि सरकार के पाइप हैं, सरकार की पाइपलाइन है। यदि उनमें पानी लीकेज है या पानी ओवरफ्लो होकर जाता है, तो इसमें यहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ये जिम्मेदारी है कि वो पानी की बर्बादी ना करने दें। यदि पानी की बर्बादी होगी तो आपके पास कितना भी पानी हो, आप भीलवाड़ा की पानी की जरूरत पूरी नहीं कर पाए। इसलिए पानी की बर्बादी रोकना सबसे पहला ज़रूरी काम है, वो काम हमारी सरकार को करना चाहिए। आज राजेंद्र सिंह जी जो वाटर ऑफ इंडिया हैं, उनको भीलवाड़ा की जनता को सुनने का सौभाग्य मिला, और यहाँ बैठे अगर 1% लोगों ने भी उनके कहावे को अंगीकार किया और उसको फॉलो किया, तो जैसे उनने अकेले ने आगे बढ़कर 110 जलाशय लोगों के साथ मिलकर बनाए और उस एरिया की काया पलट कर दी, वैसे ही मैं ये सोचता हूँ कि भीलवाड़ा में अगर इसी तरह उनका लगातार आगमन होता रहा तो भीलवाड़ा को कभी पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज हमारे लिए एक बहुत अच्छा दिन साबित हुआ, कार्यक्रम था जल संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यशाला, जिसमें वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह जी पधारे और उन्होंने इतनी बढ़िया जानकारियाँ दी जो हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है, और एक नई उम्मीदें जागृत हुई कि जिस जो समस्या में हम फंसते जा रहे हैं पानी की, वो अच्छी हो सकती है। तो हम सबको इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। इंटेक चैप्टर भीलवाड़ा द्वारा गंभीर जल संकट को लेकर के आज मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित मुख्य वक्ता राजेंद्र सिंह जी ने यहाँ इंटेक चैप्टर के बैनर तले कार्यक्रम किया। वर्षा के जल को संचय करने के लिए, जल को कैसे बचाया जाए, जल के खर्च के तौर तरीकों को लेकर के, और जल हमारे जीवन की अहम भूमिका अदा करता है। जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा, और जीवन के संकट को पार लगाने के लिए जल को बचाना जरूरी है, और कैसे जल बचाया जा सकता है उसकी एक एक बारीक टिप्स से उन्होंने जो है जल संकट से पार पाने की अनेक टिप्स दी, योजना बताई।